हाय देयर, वेलकम बैक टू बलोपीडिया बॉयज। तो सबसे पहले तो मेरे को इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और खास तौर पे दबाव रहता तुम तो जरूर कर लेना। तो वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स ऑफ MCX एलाउंस मेगा चार्जर एक्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंट्रो लग जा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मेगा एवोल्यूशन आखिर पावरफुल कितना है। तो हम अगर देखें तो मेगा एवोल्यूशन हमेशा लीस्ट लेजेंडरी पोकेमोन से स्ट्रॉन्गर रहा है, पर मैस्कोट लेजेंडरी से तो ये हमेशा वीक ही रहेगा। तो मेगा इवोल्व पोकेमोन इन सब लेजेंडरी पोकेमोन्स को आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि ये सब लीस्ट लेजेंडरी पोकेमोन्स हैं और मेगा इवोल्व पोकेमोन का स्टैट्स इनसे ज़्यादा रहेगा और एनिमे में पावर भी इन सबसे ज़्यादा रही है। तो ये लीस्ट लेजेंडरी पोकेमोन बिना मिथिकल पावर के तो मेगा इवोल्व पोकेमोन को कभी नहीं हरा सकते, सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ के बल पर मुकाबला करके नहीं हरा सकते, बिल्कुल नहीं हरा सकते, क्योंकि मेगा इवोल्व पोकेमोन की परफॉर्मेंस इनसे कहीं ज़्यादा अच्छी रही है और मिथिकल पावर यूज़ करना मुकाबलों में बैन है। और अब हम ये भी देख लेते हैं कि कितना पावरफुल है आखिर मेगा एवोल्यूशन। तो मेगा एवोल्यूशन अगर हम देखें तो ऐश का चार्जार्ड को हम एक आर्टिगोनो जितना स्ट्रॉन्ग मान लें, तो चार रीजन्स की ट्रेनिंग के बाद यूनोवा में जो ऐश के चार्जार्ड ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम थ्रोवर किया वो 22 मीटर दूर तक गया। अगर हम चार्जार्ड की हाइट से कंपेयर करके देखें तो ऐश के चार्जार्ड ने चार रीजन्स की ट्रेनिंग के बाद जो ड्रैगन टेल किया वो सिर्फ ड्रैगनाइट को गिरा पाया, और ड्रैगनाइट के गिरने से वहाँ पे जमीन में गड्ढा तक नहीं हुआ, सिर्फ धूल मिट्टी उड़ी। तो अगर हम पूरे एनिमे के सबसे वीकेस्ट चार्जार्ड की बात करते हैं तो ट्रेवर का चार्जार्ड में बहुत आगे आता है ना। तो ट्रेवर के चार्जार्ड का भी अटैक रेडियस 70 मीटर से ज़्यादा था, क्योंकि कालोस रीजन का स्टेडियम सिर्फ और सिर्फ बैटलफील्ड 543 यार्ड स्क्वायर की थी, और ट्रेवर के चार्जार्ड का अटैक यहाँ से यहाँ तक गया। और ट्रेवर के चार्जार्ड ने मेगा इवोल्व होने के बाद जस्ट एक ड्रैगन टेल में पूरे के पूरे स्टेडियम को शेक कर दिया, और जहाँ पर इसकी ड्रैगन टेल पड़ी उस जगह पर गड्ढा हो गया। तो तुम देख सकते हो ऐश के चार्जार्ड का चार रीजन्स की ट्रेनिंग के बाद सिर्फ 22 मीटर तक फ्लेम थ्रोवर गया, जबकि ट्रेवर के चार्जार्ड का 70 मीटर यानी कि सिर्फ मेगा इवोल्व होने से ये ऐश के चार्जार्ड से 3.5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अगर ऐश का चार्जार्ड एक आर्टिकुनो जितना स्ट्रॉन्ग है तो ट्रेवर का चार्जार्ड 3 आर्टिकुनो जितना स्ट्रॉन्ग है मेगा इवोल्व होने के बाद। नॉर्मल फॉर्म में तो उसे ऐश का चार्जार्ड आराम से हरा देगा। तो तुम देख सकते हो कि मेगा एवोल्यूशन इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग किए हुए पोकेमोन को भी इवनली आराम से सरपास कर सकता है। तो तुम लोग अब तक तो समझ ही गए होगे कि मेगा इवोल्व पोकेमोन लीस्ट लेजेंडरी पोकेमोन से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि लीस्ट लेजेंडरी तो किसी से भी हार चुके हैं और मेगा इवोल्व पोकेमोन अच्छे अच्छों को सबक सिखा चुके हैं। तो मेगा एवोल्यूशन 3 गुना ज़्यादा पावरफुल कर देता है एक लीस्ट लेजेंडरी पोकेमोन से नॉर्मल पोकेमोन को, पर मेगा इवोल्व पोकेमोन तब भी मैस्कोट लेजेंडरीज को नहीं हरा सकते। तो एलान के चार्जार्ड के फीट स्टार्ट करने से पहले अभी भी बहुत से लोग सोचते होंगे कि मेगा एवोल्यूशन लीस्ट लेजेंडरीज से वीक है, तो उनके लिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो मेगा मोविल ने जस्ट मेगा इवोल्व होकर ही एक मेटल केज को तोड़ दिया था, और यहाँ पर सुईकुन पॉइजन होने के बाद इवन एक फिशिंग नेट को नहीं तोड़ पाया। तो आर्टिकुनो ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ की टीम रॉकेट की इस मशीन को उठाने के लिए। तो ये मशीन 1 टन की थी, क्योंकि ये मशीन अंदर से खोखली थी और पोकेमोन्स को अंदर भरने के लिए बनाई गई थी। और आर्टिकुनो को इसे डिस्ट्रॉय करने में सबसे पहले तो इसे उठाकर फेंकना पड़ा, उसके बाद एक आइस बीम भी मारनी पड़ी। और सबसे वीकेस्ट मेगा एवोल्यूशन ने सबसे पावरफुल टीम रॉकेट की मशीन को आज तक की गीगा गीगा म्याउथ, इसको जस्ट 1 पंच में KO कर दिया। और इस गीगा गीगा म्याउथ में दोनों तरफ स्प्रोकेट लेयर्स लगी हैं, जो कि अगर हम रियल के टैंक्स के हिसाब से देखें तो 1-1 टन की तो यही हो जाती है। और पूरी मशीन हाईली मेटल की बनी है और इसमें पूरा मेगा एवोल्यूशन का डाटा है, इतनी स्ट्रॉन्ग मशीन को जस्ट 1 पंच में नॉकआउट करना। तो मेगा एवोल्यूशन सच में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 3 आर्टिकुनो इज इक्वल टू 1 मेगा इवोल्व पोकेमोन। तो मैंने स्ट्रॉन्ग तो बहुत दिखा दिया, अब तुम्हें मैं इनकी अटैक पावर भी दिखा देता हूँ। तो आर्टिकुनो का आइस बीम ऐश के चार्जार्ड के ऊपर बिल्कुल डैमेज नहीं कर पाया, जबकि फायर और फ्लाइंग टाइप के ऊपर आइस टाइप अटैक को नॉर्मल डैमेज करना चाहिए, यानी कि चार्जार्ड को डैमेज होना चाहिए था, लेकिन तब भी ये डैमेज नहीं हुआ। और मेगा इवोल्व पोकेमोन्स की तुम ये देख सकते हो अटैक पावर, गार्चोंक को रेजिस्टेंस है फायर टाइप अटैक से, और इवन मेगा चार्जार्ड वाई को भी, लेकिन तब भी ये जस्ट एक अटैक में नॉकआउट हो गए एलान के मेगा चार्जार्ड एक्स के। तो अब एलान का चार्जार्ड अगर आर्टिकुनो से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन को जस्ट 1 अटैक में नॉकआउट कर सकता है, तो आर्टिकुनो उसके सामने कुछ नहीं है, और लीस्ट लेजेंडरी पोकेमोन तो सच में कुछ नहीं है उसके सामने। तो चलो अब हम फीट स्टार्ट कर सकते हैं एलान के चार्जार्ड के। तो एलान के चार्जार्ड का छोड़ो, सबसे पहले फीट तो एलान का ही देखते हैं। तो एलान प्रोफेसर सिकामोर का असिस्टेंट था, जिस वजह से इसे पोकेमोन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और इवन सिकामोर मेगा एवोल्यूशन में स्पेशलिस्ट प्रोफेसर है, और इसी वजह से एलान को भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है मेगा एवोल्यूशन की, और यही सबसे पहली बात है कि इसे हराना मुकाबले में काफ़ी मुश्किल है। और एलान ने ऑलमोस्ट 2 साल यानी कि ऐश इस टाइम पर सिर्फ 8 साल का होगा, तब से लाइसेंडर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, और लाइसेंडर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉस है इविल टीम का। तो लाइसेंडर ने एलान को चार्जार्डाइट एक्स दिया था, और इसी के साथ एक स्पेशल मेगा रिंग। तो एलान के पास जो ये मेगा रिंग है, ये मेगा रिंग एक स्पेशल टाइप का प्रोटोटाइप है, ये मेगा स्टोन तो है इसमें,
लेकिन साथ ही साथ ये जिस पोकेमोन को भी हराता है, किसी भी अगर मेगा इवॉल्व पोकेमोन को हराएगा, जैसे कि इसने मेगा टायरानीटार को हराया, तो वो मेगा इवॉल्व था, इसीलिए उसको हराने के बाद उसमें से थोड़ी सी मेगा इवॉल्व एनर्जी इसके मेगा रिंग के अंदर आ जाएगी, और जो भी एनर्जी इकट्ठी करता है उस एनर्जी का 1% हिस्सा एलान के पास रह जाता है और बाकी का 90% हिस्सा लाइसेंडर की लैब में चला जाता है। और तुम देख सकते हो एलान की इकट्ठी की हुई मेगा इवोल्यूशन एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल थी, इवन इससे ज़ाइगार्ड तक को कैप्चर किया जा सकता है। तो एलान को जीतने पे सिर्फ 1% एनर्जी मिलती है, अगर उसको सारी एनर्जी मिल जाए तो वो तो इवन मैस्कॉट लेजेंडरी तक को हरा सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है। और यही मेगा इवोल्यूशन एनर्जी वो है जिससे कि आखिर में लाइसेंडर ने Z2 को काबू किया था। और एलान ने 13 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक पूरे 2 साल लाइसेंडर के अंडर बहुत सारे मेगा इवोल्यूशन से लड़ाई की है, अलग अलग तरह के मेगा इवोल्यूशन से। और मेगा इवोल्व पोकेमोन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद तो मैं कह सकता हूँ एलान का चार्जर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता है ये? तो इसने इतने सारे मेगा इवोल्यूशन से लड़ाई करके बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी की है और इवन अपनी बहुत सी पावर बढ़ाई है। तो ऐश के चार्जर ने सिर्फ ऐश की 10 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक की ट्रेनिंग की है, यानी कि इवन 1 साल भी नहीं, लेकिन एलान के चार्जर ने पूरे 2 साल ट्रेनिंग की है, और वो भी ऐश के चार्जर से कहीं गुना ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग। तो ऐश के चार्जर का ट्रेनिंग के बाद भी फ्लेम थ्रोवर सिर्फ 22 मीटर तक पहुंच पाया, और एलान के चार्जर का फ्लेम थ्रोवर 400 मीटर से भी ज़्यादा दूर तक जा पाया। तो एलान का चार्जर 400 मीटर तक शूट कर सकता है, जबकि ट्रेवर का चार्जर सिर्फ 70 मीटर तक कर पाया था मेगा इवॉल्व होने के बावजूद। तो ये ट्रेवर के चार्जर से 7 गुना पावरफुल था जस्ट मेगा इवोल्यूशन सीरीज के स्टार्टिंग में ही। तो तुम सोच सकते हो कि ये लीग तक कितना पावरफुल हो गया होगा। एलान के पास नॉलेज है रिसर्चर होने की वजह से, ट्रेनिंग है बहुत वक्त की, ऊपर से इसके पास ही प्रोटोटाइप है जिससे कि हर मेगा इवोल्यूशन को हराने के बाद उससे थोड़ी सी एनर्जी ले लेता है। तो ये ट्रेवर के चार्जर से 7 गुना पावरफुल है और ऐश के चार्जर से 20 गुना, क्योंकि ऐश का चार्जर सिर्फ 22 मीटर तक ही शूट कर पाता है फ्लेम थ्रोवर को। और एलान मेगा इवोल्यूशन एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था, इसलिए इसने आखिर में अपनी मेगा रिंग भी फेंक दी, क्योंकि इसे ये प्रोटोटाइप नहीं चाहिए, ये फिर से शुरुआत से शुरुआत करना चाहता है। और एलान के चार्जर ने प्रेसिफाइस ब्लेड को भी सहा है, इसके बाद ये भले ही फेंट हो गया था, लेकिन इसके बाद तुम सोच सकते हो इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी बड़ी, कि इसने ज़ाइगार्ड के लैंड्स रैथ अटैक को बिल्कुल आराम से सह लिया, देखो तुम। और लैंड्स रैथ अटैक इतना पावरफुल था कि ज़ाइगार्ड पूरे के पूरे किंगडम को तबाह कर चुका था, और इसी अटैक से, और इवन ज़ाइगार्ड एलान के चार्जर के सामने पूरी स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा था अपनी, क्योंकि वो एलान के चार्जर को मारना चाहता था। तो 50% फॉर्म को तो आराम से ओवरटेक किया है एलान ने। तो एलान के चार्जर की स्ट्रेंथ देख सकते हो तुम, ज़ाइगार्ड अपनी फुल पोटेंशियल पे इसको धक्का दे रहा था और इसे मारना चाहता था बल्कि, लेकिन तब भी वो इसे पुश बैक नहीं कर पाया बिना एक्सट्रीम स्पीड अटैक यूज़ करे, और इतना पावरफुल था एक्सट्रीम स्पीड अटैक कि आराम से 1000 बुलडोजर्स का काम कर सकता था। और एलान के चार्जर की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 3 से 4 टन होगी, और तुम जस्ट यही सोच सकते हो कि इसने अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही इस डार्क वाइन को तोड़ दिया, जिसे कि स्टीवन का मेटाग्रोस अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ करने के बावजूद नहीं तोड़ पा रहा था। और इवन इसने अपने फ्लेम थ्रोवर और ड्रैगन क्लो से कई सारी डार्क वाइंस काटी, जो कि स्टीवन का मेटाग्रोस अपने साथ दो दो साथी होने के बावजूद तोड़ नहीं पा रहा था अपने अटैक से। तो एलान का चार्जर एक मेगा टायरानीटार को हराने के बाद 10 मेगा इवोल्यूशन पोकेमोन से लड़ा, मतलब कि तुम सोच रहे हो 10 लेजेंडरी जितने पावरफुल पोकेमोन्स, और एक के बाद एक सबको हरा दिया, और लास्टली इन सबको हराने के बाद एक अलीट 4 को हरा दिया कालोस की, और उसके हाउंड डूम को मेगा इवोल्व। और अगर हम देखें तो शिनो के अलीट 4 में से फ्लिंट इन्फर्निप वाला, ये सिंथिया के खिलाफ था चैंपियंस लीग के फाइनल्स में, तो टोबायस इन अलीट 4 को क्रॉस नहीं कर पाया शिनो के ही, और कालोस के अलीट 4 उससे 79% ज़्यादा पावरफुल हैं। और एलान ने इनमें से एक को हरा दिया, और वो भी पूरे के पूरे 9 मेगा इवोल्यूशंस को हराने के बाद बिना किसी रेस्ट के। और इस अलीट 4 को हराने के बाद वो बाहर जाकर सीधा एक मेगा बैनेट से भी लड़ा, तो मेगा टायरानीटार को 10 मेगा इवोल्यूशंस को हराने से पहले हराया, फिर 10 मेगा इवोल्यूशंस को लाया, अलीट 4 को हराया, उसके बाद एक मेगा बैनेट को हराया, टोटल 12 मुकाबले बैक टू बैक किए एलान के चार्जर ने। तो अब सुनो सच्चाई, एलान का चार्जर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 2 टोबायस को संभाल सकता है और उनकी पूरी पूरी टीम को अकेला हरा सकता है, क्योंकि हर एक मेगा इवोल्यूशन लीस लेजेंडरी से स्ट्रॉन्ग होता है और टोबायस के पास सारे के सारे लीस लेजेंडरी पोकेमोन भरे पड़े हैं। तो एलान का चार्जर सच बोलूं तो एक 50% फॉर्म जितना पावरफुल है ज़ाइगार्ड की, और इतना पावरफुल पोकेमोन ग्रेनिंजा से लड़ा, ये बहुत बड़ी चीटिंग है ग्रेनिंजा के साथ। एलान के चार्जर के पास बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग थी, उसके पास प्रोटोटाइप था, उसके पास इतना ज़्यादा ताकत थी, उसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उसके पास वो ऑलमोस्ट एक चैम्पियन लेवल का ट्रेनर था। अगर उसके पास इतनी सारी खूबियाँ थी तो मैं कह सकता हूँ कि वो ऑलमोस्ट सिंथिया के बराबर पावरफुल ट्रेनर था, और या फिर उससे भी पावरफुल। और एलान के चार्जर को 3 बार बराबरी की टक्कर दिया ग्रेनिंजा ने, और 3 बार पास्ड आउट हुआ है, एक बार भी वो हारा नहीं है प्रॉपरली।
तो तुम सोच सकते हो अगर एलान का चार्जर दो टोबायस को संभाल सकता है तो इवन ग्रेनिंजा अपनी बॉन्ड फिनोमिना फॉर्म में पूरे के पूरे टोबायस की पूरी टीम खा सकता था। और ग्रेनिंजा की स्ट्रेंथ मुकाबले में बढ़ती जाती है, जितना लंबा मुकाबला चढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इसकी पावर बढ़ती जाएगी। तो ग्रेनिंजा जितने भी मुकाबले हारा है एज ग्रेनिंजा बनने के बाद, वो सारे ये पास आउट होने की वजह से हारा है। इसके लिए हम ग्रेनिंजा को तो वीक नहीं कह सकते, इसके लिए हम कह सकते हैं ऐश को वीक। और ऐश के ग्रेनिंजा को तुम मान सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये, कि ऐश का आज तक कोई भी पोकेमोन इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से नहीं लड़ा था जितना स्ट्रॉन्ग से ये लड़ा। ध्यान था कि गार्डेवोर एक चैंपियन लेवल का पोकेमोन, और आज तक ऐश का कोई पोकेमोन इवन एलीट फोर लेवल के पोकेमोन से भी नहीं लड़ा। तो फ्रोगर डियर पेड़ पे चढ़ सकता है एक छिपकली की तरह, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इसके पैरों की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है देख लो तुम, जमीन टूट गई। और ग्रेनिंजा या फ्रोकी ये पानी पे भी भाग सकता है, और साथ ही साथ और इसके ऊपर एक भी स्ट्रेंथ अटैक काम नहीं करने वाला, क्योंकि डिगर्स भी 1 टन वजन उठा सकता है पोकेडेक्स के हिसाब से। लेकिन इसके हैमर आर्म को आराम से सह लिया फ्रोकी ने, बहुत ज़्यादा इजीली। तो यार ग्रेनिंजा के फीट्स हैं इतने सारे, इसके ऊपर तो जितने पार्ट्स बना लूँ उतने कम हैं। तो ग्रेनिंजा पूरे एनिमे का, जैसे कि मैंने उसके फीट्स वाली वीडियो में कहा था कि सबसे पावरफुल अटैकर है, लेकिन एलान का चार्जर सबसे पावरफुल डिफेंसर है पूरे एनिमे का। उसने लैंड ब्रेथ को सह लिया आराम से, उसके बाद उसी वक्त मैं समझ गया था कि वाटर शेरिकिन कुछ काम नहीं आने वाला उस पर, और ऐसा ही हुआ फाइनल्स में। एलान के चार्जर के ऊपर वाटर शेरिकिन काम ही नहीं आया, अल्टीमेट वाटर शेरिकिन भी काम नहीं आया। तो ये एकदम अनफेयर बैटल था, ग्रेनिंजा बहुत ज़्यादा वीक था मेगा चार्जर एक्स के मुकाबले, और तब भी ऐश ग्रेनिंजा ने पूरी अच्छी तरह बैटल किया और पास आउट होने की वजह से हारा, एलान के चार्जर ने उसे नहीं हराया। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म। ऐश ग्रेनिंजा की ऐश ग्रेनिंजा ट्रांसफॉर्मेशन अगर ऐश मास्टरी कर ले पूरी तरह मास्टरी, इवन फाइनल्स तक ऐश ने मास्टरी नहीं की उस पर, अगर ऐश अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाए तो बॉन्ड फिनोमेना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अगर ग्रेनिंजा पास आउट होना बंद हो गया तो वो हारेगा बिल्कुल नहीं, वो आराम से 10 लीस्ट लेजेंडरी पोकेमोन्स को भी संभाल सकता है। और एलान का चार्जर तो मैस्कोट लेजेंडरी को संभाल चुका है, तो ग्रेनिंजा उससे ज़्यादा पावरफुल होगा अगर वो पास आउट होना बंद हो गया तो, और तब वो आराम से एक मैस्कोट लेजेंडरी को भी हरा पाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।